बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रभाकर भट्ट जो भी औरतों के बारे में जो गैर गलत बाकायदा कहा गया है, इंशाल्लाह बाकायदा हमें सब मालूम पूरों को पड़ चुका है। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत, इंशाल्लाह सिद्धरामैया जी, डी के सुकुमार साहब और हमारे यहाँ के एमएलए तनवीर शेठ साहब बाकायदा पूरे के पूरे कोशिश कर इंशाल्लाह किसी कीमत पर भी इंशाल्लाह उसको बाकायदा अरेस्ट करेंगे। उसको बाकायदा प्रभाकर भट्ट जो बाकायदा उसको किसी कीमत पर भी इंशाल्लाह उसको कस्टडी हुएगी, वो जेल के अंदर जाएगा। मैं तमाम माँ बहनों से और नौजवानों से यही कहना चाहता हूँ कि कोई कानून अपने हाथ में मत ले, ताकि हालात बहुत ख़राब है, ताकि कोरोना की हवा भी बहुत ख़राब चल रही है। कहीं भी मुसलमान सब मिलकर जमकर, कहीं ये ना हो कि मुसलमानों के तरफ से यहाँ पर गुड्डा होकर कोरोना यहाँ से शुरू हुआ, ऐसी अफवाह ना फैले। मेरे माँ बहनों से मैं यही उम्मीद दिलाता हूँ, इंशाल्लाह बाकायदा सिद्धरामैया जी, डी के सुकुमार साहब, हमारे एमएलए, बहुत सारे एमएलए भी इंशाल्लाह बाकायदा पूरी कोशिश करेंगे। तो बाकायदा उस जो भी प्रभाकर भट्ट ने जो गैर गलत कहा है, इंशाल्लाह उसका जवाब बाकायदा देंगे। इंशाल्लाह हमें यकीन है हमारे अल्लाह पर, इंशाल्लाह मैं कहीं भी मेरे नौजवानों से, ताकि हुकूमत चाह रही है किसी कीमत पर भी, बीजेपी हुकूमत जो आरएसएस यही चाह रही है कि किसी कीमत पर भी हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए, ताकि आने वाले इलेक्शन के दिन किसी कीमत पर भी, इनका मकसद यही है कि एजेंडे को लेकर कामयाब करें। मैं तमाम नौजवानों से और मेरी माँ बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि कानून हाथ में मत ले, इंशाल्लाह बाकायदा सिद्धरामैया जी और बहुत सारे हमारे लीडर कांग्रेस के लीडर, अभी अयूब साहब ने बहुत अच्छी बात कही, हमारे बशीर साहब ने भी आपके सामने बहुत अच्छी बात कही है। इंशाल्लाह हम जाएंगे बाकायदा, बेंगलुरु तक भी जाएंगे, उस बाकायदा जाकर सिद्धरामैया जी, डी के सुकुमार साहब को भी मिलेंगे, हमारे तनवीर शेठ साहब को भी मिलेंगे, मिलकर इंशाल्लाह जुम्मा तक बाकायदा जुम्मा के अंदर पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि 100 को 100 इंशाल्लाह जेल के पीछे और सलाखों के पीछे रहेगा। इतनी उम्मीद अल्लाह से।